स्वागत है आपका विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के एब्सेंस में। चौथा ओडीआई मैच टीम इंडिया काफी बुरी तरीके से हारी, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 92 रन पर टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया। अब दोस्तों पांचवा ओडीआई मैच जो है वो 3 फरवरी को खेला जाएगा वेलिंगटन के ग्राउंड में, और यहां पर टीम इंडिया जीतने के लिए उतरेगी और काफी बड़े बड़े बदलाव जो है यहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यहां पर हम 3 बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं जो कि हमें पांचवे और आखिरी ओडीआई में देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करें सबसे पहले चेंज की, तो वो होंगे महेंद्र सिंह धोनी। पिछले 2 मैचों से लगातार बाहर रहे हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण ये बाहर रहे थे। पिछले मैच में दोस्तों ये फिट जरूर हो गए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि जब तक ये पूरी तरीके से फिट नहीं होंगे, 100% फिट नहीं होंगे, तब तक इन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी रिस्क महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर नहीं लेना चाहती टीम मैनेजमेंट। और ऐसे में इस मैच में दोस्तों ये हमें खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। काफी समय मिल चुका है महेंद्र सिंह धोनी को, और MS धोनी होंगे दोस्तों पांचवे ओडीआई के सबसे बड़े बदलाव। बात करें दोस्तों दूसरे बदलाव की, तो वो होंगे मोहम्मद शमी, जिनको इस मैच में यानी चौथे ओडीआई मैच में रेस्ट दिया गया था क्योंकि काफी समय से ये लगातार खेलते हुए आ रहे थे। लेकिन दोस्तों पांचवे ओडीआई मैच में यहां पर इनको मौका मिल सकता है और प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं मोहम्मद शमी। बात करें दोस्तों तीसरे बदलाव की, तो तीसरे बदलाव हो सकते हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों इस सीरीज में अभी तक इन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला है, और जैसा कि टीम मैनेजमेंट ने कहा है सभी बैकअप प्लेयर को जो है वो मैच देना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2019 से पहले, और ऐसे में ये मैच जो है वो हमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बदलाव जो है वो हमें दिख सकते हैं पांचवे ओडीआई मैच में। इनके अलावा दोस्तों मोहम्मद सिराज भी हैं, जिन्हें अभी तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर इन्हें मौका मिलता है टीम में खेलने का, तो ऐसे में मोहम्मद शमी को एक और मैच में जो है वो रेस्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज, इनमें से कोई एक ही जो है वो हमें खेलता हुआ नजर आ सकता है पांचवे ओडीआई मैच में। तो दोस्तों ये है वो 3 बदलाव जो कि हमें पांचवे ओडीआई मैच में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी वापस आ सकते हैं, रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, वही मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इनमें से कोई एक जो है वो हमें प्लेइंग 11 में दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तो है हमारी राय, अब आपको क्या लग रहा है कौन कौन से चेंज पांचवे ओडीआई मैच में होने चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।